प्रयोग में आए हैं? कौन कौन से चिन्ह प्रयोग में आ रहे हैं? अब बोलेंगे कोई नहीं। हाँ, इसमें सबसे पहले डिवाइड करेंगे। तो चलिए देखते हैं, और सब कुछ वैसे लिखते चले जाएंगे। डिवाइड किनके किनके बीच में है? सिक्स और टू, तो इसका आंसर क्या आएगा? सिक्स को टू से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? थ्री। तो फोर इंटू थ्री माइनस नाइन। अब आगे चलिए, फिर देखें आप कौन सा चिन्ह पहले हल होगा। अब कौन सा चिन्ह हल होगा? मल्टीप्लाई का। बहुत अच्छे, 18 प्लस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 12। बहुत अच्छा, माइनस 9। आप देखो, अब कौन सा चिन्ह होगा? प्लस वाला। तो प्लस करेंगे तो 8 और 2 13 माइनस, आप 21। वेरी गुड भैया बहनों। इस प्रकार से अगर हम हल करेंगे नियम के अनुसार, चिन्हों को ध्यान में रखते हुए, तो सिंपलीफाई से संबंधित सवाल कभी गलत नहीं हो सकते हैं। अगर चिन्हों का क्रम हम ध्यान में नहीं देंगे तो हमारा आंसर सही होते हुए भी नियमता सवाल गलत रहेगा। ठीक है, ये बातें तो सबके समझ में आ ही गई होंगी।